तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। हालांकि एंड तो मैं अभी नहीं करूंगा, बल्कि आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये हमारा सफर अभी यहाँ पे होटल से खत्म। होटल से चेकआउट हो चुका है फाइनली। ये पुलमैन जो इंडिया में भी है वैसे, और अब जा रहे हम कहाँ पे, ट्विन टावर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। और अच्छा खासा ट्विन टावर अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखाएंगे मलेशिया का। स्पेशली अगर आप मलेशिया में आ रहे हो और ट्विन टावर नहीं जा रहे हो तो फिर तो मतलब ही नहीं है। तो ये है ट्विन टावर, नीचे से व्यू आपको ऐसा मिलता है। और अब हम थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे, पर यार कमाल है, बहुत मज़ेदार लग रहा है। अब बुर्ज खलीफा जैसा फील आ रहा है, बुर्ज खलीफा भी आपको ऐसे सर्कुलर शेप में मिलता है। तो हम लोग आ चुके हैं ट्विन टावर के अंदर, और ये एंट्रेंस, यहाँ से एंटर किए, और ये देखिए ये सारी चीज़ें, अच्छा फील कर रहा है वैसे, काफ़ी पीसफुल है। तो यहाँ से टिकट टक्की यहाँ पे मिलती है, और वो वहाँ से हमारी टिकट ली जाएगी। और ये देखिए, ये देखिए, तो जो हम आपको बाहर से दिखा रहे थे वो आप यहीं पे छोटे में से देख लीजिए, जो आपको यहाँ पे फील आ रहा है ना। ये हमारा आईडी कार्ड, पेट्रोनास ट्विन टावर्स लिखा है, विजिटर्स, जो हमें गले में पहनना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग कनेक्टेड ब्रिज पे आ गए हैं, जो दोनों टावर को कनेक्ट करता है यहाँ पर, और ये वही रास्ता है जिससे एक टावर से दूसरे टावर में आप जा सकते हैं। तो जैसे कि इसने कहा कि ये ब्रिज जो ये मूवेबल है, मतलब विंड प्रूफ है, ये ऐसा ऐसा होता है, मतलब उसको उन्होंने स्टेबल करके रखा है इस तरीके से, ये फिक्स्ड नहीं है बल्कि। और अब ब्रिज से आपको मैं नज़ारे दिखा रहता हूँ ऊपर से, 10 मिनट का टाइम यहाँ पर हमें मिल गया है, और ये देखेंगे आप सारे नज़ारे आपको यहाँ से दिख रहे हैं। काफ़ी ह्यूज है मलेशिया, और ये आप देखेंगे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, और फिलहाल के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब वो डेवलप किया जा रहा है, जगह जगह पे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बन रही है, तो काफ़ी सही है। और नीचे देखेंगे ये आपको मिल रहा है एक फाउंटेन है, उस तरीके का आपको गार्डन दिख रहा है सामने की तरफ, वहाँ पे भी कुछ है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है दूसरी तरफ का। और यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके का सीन मिलेगा, आप देखेंगे एम बैंक लिखा हुआ है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बैंक आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यानी कि कंपनीज है। और नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे ये भी आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है, ये पेट्रोनास का ट्विन टावर्स का इलाका है, हिस्सा है जो ये आपको मिल रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं, अगर आप देखेंगे बहुत छोटे से लग रहे हैं। 41 फ्लोर पे हम लोग अभी आए हैं फिलहाल के लिए, फिर इसके बाद हम 86 फ्लोर पे जाएंगे, और वहाँ पे देखेंगे आप वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल सा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इस तरफ का है जो आपको व्यू मिल रहा है, तो यानी कि ये आप देख लेंगे यहाँ पे एक व्यू है, और यहाँ से इस तरफ से आपको मिल रहा है। बहुत ही ह्यूज सिटी है ये कुआलालंपुर, बहुत ही फेमस है वैसे तो पूरे वर्ल्ड में, और अब यहाँ पे ऊपर से देख के और कुछ ही अलग ही मज़ा है इसका। सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि कितना ऊंचा है, इसमें क्या है क्या नहीं है, अलग अलग टावर्स के साथ में कंपेयर किया है। सो लिफ्ट चेंज करके हम लोग ने 86 फ्लोर पे आ गए, अब यहाँ से सर्कुलर में आप देख सकोगे। सो फाइनली वी आर इनसाइड, और 86 फ्लोर एक्चुअली, ये एक चीज़ बहुत अच्छी आपको दिखाना है, इस टावर से आप देखेंगे ये दूसरा टावर सामने की तरफ, ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर आ गए हैं, और ये देखो कमाल लग रहा है यार, मज़ा आ गया ऊपर से, मतलब देखना जो फील करना वो अलग ही बात है। और ये देखो अब यहाँ से एक्चुअली आपको पूरा मलेशिया दूर दूर तक दिखेगा, पहले आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, आप देखेंगे पहाड़ी और ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी दूर दूर से, आपको अब इसमें पूरा 360 डिग्री दिखेगा, हर एंगल से आपको यहाँ पे दिखेगा। ये भी आप देखेंगे यहाँ से आपको पूरा दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बिजनेस काफ़ी होता है, बैंक्स वगैरह भी ज़्यादा है। और ये नीचे का नज़ारा इस तरफ से, ये अंदर से यहाँ पे टीवी वगैरह चल रहा है, और यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ आपको दिखा रहता हूँ, ये है एक्चुअली में एक मैप,
जो जो बिल्डिंग्स आपको मैं ऊपर से दिखा रहा था, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट करे, और ऑब्वियसली ट्विन टावर के सामने आप देखेंगे ये सारी चीज़ें निकली, और ये पार्क वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको भी दिखाया था। और ये देखिए कि आप अंदर की तरफ एक बहुत ही बड़ा उन्होंने एक आर्ट है जो ट्विन टावर का है, जो ट्विन टावर को उनको ये काफ़ी मानते हैं कुआलालंपुर में, क्योंकि ये इनका सबसे बड़ा एक आइकन है, बिल्डिंग आइकन है जो इसके नाम से जाना जाता है। सो ये कुछ पता नहीं गेम है या क्या है, ये बताया प्लीज स्टैंड हियर। तो ये देखेंगे मेरे हाथ में ट्विन टावर है और मैं इसको लेके घूम सकता हूँ, तो ये कमाल की चीज़ है यार, सुपर, वाह, मज़ा आ गया, क्या बोलते हो। तो यहाँ पे एक और आपको मैप जैसा दिख रहा है जो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कौन सी चीज़ें, पेट्रोनास ट्विन टावर्स, पेट्रोनास टावर 3, कुआलालंपुर मलेशियन टूरिज्म सेंटर वगैरह वगैरह के सबके जो नाम दिए गए। और ये देखेंगे आप, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। ये एक्चुअली एक मैप है जो मुझे लग रहा है काफ़ी पुराना है जो आपको तरीके को मिल रहा है, और एक अच्छे वुडन डिज़ाइन में उन्होंने बना के दिया है। इस तरफ की व्यूज़ दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं सब 360 डिग्री आप देख सकते हो, तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरफ से आपको एक व्यू मिल रहा है जो इसमें भी आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिल रही है। एक्चुअली मेन कुआलालंपुर का मेन इलाका ही है ट्विन टावर का, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। कुछ और नज़ारे भी हैं, ये देख सकते हैं आप, और ब्रिज देखेंगे आप वहाँ पे, और यहाँ से आप देखेंगे सारी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है। बस आपको ज़्यादातर देखने को यही मिलेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और ये बैंक आप देखेंगे नीचे कितनी बड़ी लग रही थी, अब यहाँ पे कितनी छोटी होगी क्योंकि हम बहुत ऊपर आ गए इसलिए। और एक नज़ारा है इस तरफ साइड का जो आपने नहीं देखा होगा, और ये देखेंगे यहाँ पे भी आपको कुछ वैसे ही देखने को मिल रहा है, तो लगभग सब कुछ एक जैसा ही है। बस इतना कहूँगा कि एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे, जो मुझे पहले कभी नहीं मिला। बुर्ज खलीफा में जब ऊपर गया था तो उसमें भी मुझे कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा था, लेकिन मलेशिया काफ़ी वास्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा ही बिल्डिंग्स और ज़्यादा ही यहाँ पे जो लोग देखने को मिल रहे। तो बस ये है, ऊपर की तरफ हम आए, आपको पूरा 360 डिग्री में दिखा दिए मलेशिया का ट्विन टावर कुआलालंपुर का, जो बहुत ही मज़ेदार है और एक अच्छा फील हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और हमारे शर्मा जी भी यहाँ पे बैठे हैं। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे कि दुबई के बुर्ज खलीफा में भी आपको मैंने ऊपर से व्यू दिखा था तो ट्विन टावर है ये, क्या है कि एक्चुअली यहाँ से जो आबादी दिखती रही है ये ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्डिंग्स ज़्यादा है, बैंक्स वगैरह ज़्यादा है, तो अच्छा लग रहा है। और अभी 86 फ्लोर पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, और सामने की तरफ आपको मैंने दूसरा टावर भी दिखा दिया, पे आ गए हैं नीचे, और अब यहाँ पे हमें इस जगह से पास कर रहे हैं ताकि ये शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे है तो ये फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, 2000 रुपये की चीज़ है तो उसके लिए आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, ये कुछ यहाँ पे ऐसा खेल है, ऑब्वियसली यार महंगा तो हो गई। यहाँ से दोस्तों मैंने एक एंटिक लिया हूँ जो काफ़ी यूनिक है, जो मुझे पड़ा लगभग से इंडियन 350 रुपीज़ में, और अगर वो चीज़ वो ये है, आप देखेंगे ये आपको लग रहा है कि छोटी सी बैग है, कैरी बैग है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये बैग नहीं बल्कि ये कांच का होगा ना, कांच या मार्बल, वैसे ही कुछ है, बस पत्थर जैसा है कुछ समझ लो, देखो तो ये कैरी बैग जैसा लगता है ना। दोस्तों यहाँ से ट्विन टावर का सफर खत्म होता है, अब हम जा रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल मार्केट, जो एक बहुत ही अच्छी मार्केट है जहाँ पे आप लोग बार्गेन वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत ही वास्ट है, और ऐसे तो बहुत सारी मार्केट है यहाँ पे, एक छोटा सा हिस्सा है, और मलेशिया के अंदर शॉपिंग आप कमाल की कर सकते हैं, स्पेशली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही चीप मिलता है यहाँ पे, लेकिन आपको याद रखना जब आप लेके आते हैं इंडिया में तो कस्टम का प्रॉब्लम आपको बहुत होगा, उसके अलावा आप जो भी चीज़ लाते हो ना कस्टम में इशू नहीं होता है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मेरे साथ में है अभिनव फ्रॉम वीवो प्रोडक्ट मैनेजर, और इसको तो पहचानते हुए तो सेंट्रल मार्केट हम लोग आ गए हैं, और मुझे लग रहा है ये बैक साइड है, सामने की तरफ से आपको पूरा सेंट्रल मार्केट का लोगो आता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, और कपड़े वगैरह आप देखेंगे यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये सुविनियर और ये सारे आपको एक्सेसरीज वगैरह स्लिंग्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो ये तो सिर्फ बाहर का हिस्सा है, अंदर भी आपको पूरी मार्केट मिलेगी, आप देखेंगे यहाँ से सेंट्रल मार्केट का गेट, और ये मेन अंदर है, बाकी बाहर भी आपको इस तरीके की चीज़ें मिल जाती है, ये आप देखेंगे यहाँ पे टी शर्ट्स है, अच्छी मार्केट है, और क्वालिटी अच्छी है, मैंने चेक किया हो, मैंने खुद भी लिया हो, और घर पे जाके मैंने होटल में चेक किया था, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये मैं दूसरे बार आया हूँ वैसे, और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इंडियंस भी दुकान में काम करते हैं, यहाँ पे इंडियंस काफ़ी सारे हैं, ज़्यादातर चेन्नई वगैरह से लोग यहाँ पे है। ये देखेंगे 15 RM का आपको मिल रहा है, ऐसे ये क्या है, हटो, ये 6 RM का आपको मिल रहा है, अभी वो 17 रुपीज़ से आप कैलकुलेट कर लो, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मुझे समझ आ रहा है। और शूज़ देखेंगे यहाँ पे आप लगे हुए शूज़ काफ़ी सारे हैं, ये देखो दोस्तों एक और चीज़ यूनिक सी चीज़ें हैं, और ये क्या है आपको पता है, ये मस्जिद है, जी हाँ ये नेशनल मॉस्क है यहाँ पे कुआलालंपुर में, यार यकीन नहीं हो रहा है, ये मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद
कमाल हो गया है। मतलब मेन गेट सेंट्रल मार्केट जिसमें आपसे कहा था सामने की तरफ लिखा हुआ है, और ये देखो सेंट्रल मार्केट, अब जो बाहर आपको दिख रहा है उससे डबल आपको अंदर मिलेगा। से एंट्री शुरू हो जाती है और ग्राउंड फ्लोर है, आप देखेंगे वही सारी चीज़ें आपको, लेकिन वेराइटी आपको अलग अलग मिलती है यहाँ पे काफ़ी सारी। ये देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, स्टैचू से सब कुछ यहाँ पे मिलता है, और जो एंटिक्स मिलती है आपको बहुत सारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो सिर्फ स्पेशली आपको कुआलालंपुर यानी मलेशिया की जो कल्चर वगैरह के हैं। आप देखेंगे कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं अंदर की तरफ, ये काफ़ी मार्केट है और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो मैं कुछ चॉकलेट्स वगैरह सोच रहा लूँ या फिर एयरपोर्ट से लूँ तो अच्छा रहेगा। और ये ड्रेसेस हैं स्पेशली, कपड़े यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट मिल रहे हैं, और प्राइस देखेंगे आप लगे हुए हैं यहाँ पे 59 RM। और ये, और यहाँ पे भी आपको परफ्यूम्स वगैरह मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो ये एक साइट है, और वैसे तो स्टॉल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लेडीज़ के लिए जो स्टॉल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और ये ड्रेस देखो कितना अच्छा लगा हुआ है यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे किकस फ्रांस के बेल्ट्स लगे हुए हैं, ये सारे बेल्ट्स आप देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पर्स वगैरह ऊपर की तरफ देखेंगे, वॉलेट्स और ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ये मेन एक्सेसरीज है, बैग्स वगैरह है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। सारे पर्स आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल से लग रहे हैं, ये लेडीज़ों के लिए हाथ में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए भी है। ओके तो ये सारे, तो ये आपको सारी चीज़ें मिलती है। और वो फोटो किसने वीडियो उतारने मना कर रही है, क्योंकि वो यूनिक चीज़ है, वो नहीं चाहते कि कहीं पे जाए, वैसे हम उन्हीं की पब्लिसिटी कर रहे हैं। और ये देखेंगे काफ़ी सारे आपको प्लेट्स वगैरह, ये शोकेस में रखने के लिए सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आप देखेंगे। और यहाँ पे इस पे अल्लाह लिखा हुआ है प्लेट्स के ऊपर, ये आप देखेंगे लैंटन शायद इसको बोलते हैं, ये आपको मिल जाती है यहाँ पे। अरे मैट से बनी हुई है, आप देखेंगे अंदर से ये सब मैट से बनी हुई है। तो पता नहीं मैं सही बोल रहा गलत बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें शायद से मुझे नहीं भी पता है, लेकिन जो आप अपने आँखों से देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही है। और ये बीच का एंट्रेंस है, आप देखेंगे ये एंट्रेंस है, और लेफ्ट और राइट में आपको दोनों साइड में मार्केट मिल जाती है जो अलग अलग शॉप है, लेकिन अच्छी चीज़ है वैसा वो नहीं है। दोस्तों अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, कुछ कपड़े वगैरह देख लेता हूँ मैं, अगर ऊपर की तरफ मुझे कुछ मिल जाते हैं, या अगर चॉकलेट्स वगैरह मिलते हैं तो चॉकलेट्स ले लेता हूँ, अभी मैं घर के लिए सोच रहा था कुछ चॉकलेट्स ले जाऊँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर की मार्केट है, यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग वेराइटी के कपड़े मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये है, और कुछ स्टिकर्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे। और अब ये कपड़े का मार्केट शुरू हुआ था, आपको बहुत अलग अलग ट्रेडिशन के कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, ये देखेंगे इस तरीके के। और ये देखिए प्रमोटर वांटेड जॉब है, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मुझे एक कपड़ा पसंद आ गया था जो मुझे लेना था, और वो 90 RM काफ़ी महंगा बोला था, पर अच्छी बात ये है इस मार्केट की कि आप इसमें बार्गेन कर सकते हो, तो वो डायरेक्ट आ गया 60 RM पे, मतलब 30 उसने कम कर दिया, तो अच्छी बात है। चलो अब देखता हूँ दूसरी शॉप में जाके कहीं कुछ और मिलेगा, मुझे लेडीज़ के लिए लेना है स्पेशली। अब ये शॉप देखेंगे काफ़ी कमाल की लग रही है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इमरजेंसी में कुछ और पैसे यहाँ पे निकाल दिया हूँ, और मुझे मिला है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मूर्ति अपने आप गिर गई है। 53 rupees मुझे यहाँ पे मिला है, मैंने 1000 rupees दिया तो मुझे 53 RM मिला, क्योंकि इमरजेंसी में मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, करेंसी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फिर वापस दे किया इमरजेंसी में यहाँ पे जाके करवा दिया। तो मार्केट में एक्चुअली ऐसी शॉप रहती है, अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो आप अपनी इंडियन करेंसी लेके घूम रहे तो आप तुरंत एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ खेल होता है यहाँ पे, आपको 50, 100, 200, 300 rupees की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सचेंज में वो लोग आपको चार्ज करते हैं, और ये मजबूरी है तो आपको मजबूरी का बलि का बकरा तो बनना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा जो कोटा पूरा हो चुका है, और मैंने कल भी शॉपिंग की थी और आज फिर से एक बार आगे कर दिया, सोचा चलो बार बार तो आने मिलता नहीं है, कुछ यूनिक चीज़ उठा दिया मैंने। वैसे चॉकलेट्स तो हम सब जगह मिलती, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग तरह की चॉकलेट लिया जो शायद हमें इंडिया में नहीं मिलती है। और चलो कुछ लोगों को मिलना है मुझे मेन गेट पे, तो 1 बजे का टाइम दिया तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, और उसके बाद अब यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे लंच के लिए। लंच करने के बाद हम लोग वहाँ से जाएंगे कहाँ पे, सीधे एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट जल्दी पहुँचना है वरना हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक दोस्तों, अचानक से मैंने आपसे कहा था कि मौसम ये बदलता रहता है, और अब बारिश का मौसम हो गया है, हम सब ने काफ़ी सारी शॉपिंग वगैरह कर ली है, मज़ा आ गया ना, चीप है ना, वैसे मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। तो ये बहुत अच्छी मार्केट है, ओवरऑल देखें तो चीप मार्केट, हाँ चीप है, काफ़ी चीप है। तो हर तरह की चीज़ मिलती है, लेकिन हम चीप ढूंढना, आप चीप ढूंढ सकते हैं अगर आपको एक्सपेंसिव चाहिए, हैंडमेड काफ़ी यहाँ पे चीज़ें बहुत मशहूर है। आप देखेंगे बहुत ही कड़ाकेदार बारिश हो रही है, और ऐसी बारिश तो हमें इंडिया में ही देखने को मिलती है, इतनी ज़ोर से हो रही है, इतनी ज़्यादा बिजली कड़की है कि मैं क्या बताऊँ। और आप देखेंगे
ये आवाज़ सुनेंगे आप, ऐसा लग रहा है कोई गाड़ी के ऊपर कुछ तो मार रहा है। फाइनली दोस्तों हम सक्सेसफुली एयरपोर्ट आ गए हैं और मेरे साथ है रेहन फ्रॉम BGR। अगर आपको तो पता ही होगा BGR। तो आप एडिटर? ओके, न्यूज़ वगैरह। तो अच्छा, जो गेट नंबर है वो है C36 और C36 है लेफ्ट में। तो शेयर करनी थी, रिकॉर्ड हो गया, मतलब 5 से 7 मिनट में हम लोग एंटर किए, ग्रुप चेक इन किए, मुझे बोर्डिंग पास मिल गया, मेरा लगेज चला गया और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेरा सिर्फ 5 मिनट के अंदर हो गया। और मुझे लगता है कि काफ़ी भीड़ आई है, फ्लाइट की भीड़ आई है, आप देखेंगे ऐसे लग रहा है लोग फ्री में शॉपिंग करने देते हैं ना, भीड़ से भीड़ आता है, वैसे कुछ आया। तो मेरी ट्रेन जो मिस हो गई, तब मुझे बस करके अपने स्थान पर जाना पड़ेगा, यानी कि मेरे गेट पर। एक और चीज़ आपको बताना था, अभी मैं बाथरूम से बाहर आया हूँ और मैंने बहुत एयरपोर्ट्स विजिट किए, दुबई के भी किए, लेकिन आज तक मेरी लाइफ में मैंने इतना क्लीन बाथरूम कहीं पे भी नहीं देखा। बाकायदा बाथरूम में आपको पॉट्स मिले थे वॉश बेसिन के पास में, और जगह जगह पे टिशू थे। यहाँ पे अक्सर बाथरूम में टिशू की कमी होती है, पर जगह जगह पे टिशू थे, बाथरूम में खुशबू आ रही थी, बाथरूम में फ्लोर पे बिल्कुल भी गीलापन नहीं था, कमाल का बात होता है, मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसी सर्विस अगर सारे एयरपोर्ट्स देना शुरू करो तो अच्छी बात है। हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉज में आप लोग का स्वागत है, और आज सबसे पहले तो आप लोगों को बता रहा था कि अगर टेक्नोलॉज में कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए यहाँ पे टेक्नोलॉज जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है, और मैं अपने स्थान पर तो वैसे बैठा ही हूँ, पता नहीं इतना सुनसान क्यों है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, दूर दूर तक मुझे कोई एक आदमी भी नज़र नहीं आ रहा, बस वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। और मेरा ये गेट है C36, मैं वक्त से बहुत पहले आ गया, वैसे मैं जल्दी जल्दी इसलिए आया क्योंकि मुझे टेक्निक शूट करना था। आप देखेंगे सारे वीडियोस रेडी हो चुके हैं, अब इसको यहाँ पे एडिटिंग करूँगा। बैटरी काफ़ी लो है लैपटॉप की और मैं चार्ज करना भूल गया था होटल से, तो अब मुझे चार्जिंग पोर्ट ढूंढना पड़ेगा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि रात में व्लॉग को मैं ख़त्म नहीं कर पाया, आउटरो नहीं दे पाया। तो बस इतना ही था दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो अगर मैं कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ वर्ल्ड में तो मैं इसी तरीके का व्लॉग आप लोग के लिए बनाऊँगा, और कुछ जानकारी दूँगा व्लॉग के अलावा। मैं आपको बता भी लूँगा कि अगर आप आते हो सिटी में तो आपके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या कुछ खासियत उस सिटी में मिलती है, जैसे कि आज इस व्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में इस चैनल में। तब तक के लिए बोलते रहिए थग लाइफ।